उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज जनपद बांदा पहुंचे। बांदा के प्रसिद्ध मंदिर संकट मोचन में बजरंगबली के दर्शन किए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए संगठन को और मजबूत बनाने सहित अन्य मुद्दों पर भी पदाधिकारियों से वार्ता की। इसके बाद कृषि विश्वविद्यालय बांदा का निरीक्षण करने के साथ साथ जिला कलेक्ट्रेट बांदा पहुँच अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सपा एवं बसपा पर जमकर निशाना साधा। बांदा से संवाददाता प्रवंजन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना जैसे तड़प रहे वैसे तड़पेंगे। श्री नीतीश कुमार जी जिन्हें मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखाई दे रहा है, 2014 में अकेले लोकसभा का चुनाव लड़े थे, केवल 2 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। इस बार तो 2 भी जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार को सुपर सीएम बनकर के श्री लालू प्रसाद यादव जी चला रहे हैं। वहाँ सरकार नहीं बची है और उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। सपा की सफाई कर दिया है जनता ने, लगातार 4 चुनाव वो हार चुके हैं। बसपा का कहीं अता पता नहीं है। कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं परिवार को अपने बचाने के लिए, और कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ो अस्तित्व बचाओ अपना वह अभियान चालू किए हुए हैं। इसलिए 2024 में हम 2019 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतेंगे। यूपी में हमें पूरा विश्वास है कि 80 सीटें जीतेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, उनको अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओ। क्या लगता है 100 सीटें कराने या नहीं? 100 सीटें लेंगे के लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, कानपुर जाने में बांदा के लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। एक एक वहाँ रोड बची नहीं है, सब गड्ढे बचे हैं। आज निर्देश दे दिया गया है आज कि उसके संबंध में जांच करके कार्रवाई करेंगे और समस्या समाप्त करेंगे। एक एक व्यक्ति बोलो ना, मुस्लिम समाज शोषण कर रही है। अवकाशी पुल तो लगभग बन के तरीके से उपलब्ध करा आप पे आरोप लगा रहा है कि आप नौकरियां नहीं दे रहे हैं, जो बेरोजगारी का जो ग्राफ है। बेरोजगार विपक्ष में युवा जो है, आप मेरी बात सुनो, बेरोजगार विपक्ष है। युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध है। नहीं कहते कि आप नौकरी जो निकालते हैं उस पे पेपर भी आप लीक करा देते। पेपर लीक करने वाला गैंग सपा का था, उस गैंग के लिए नशे तोड़ करके उनको जेल भेज दिया गया। कांग्रेस कहती है कि हम महंगाई पे मुद्दा उठाते हैं तो वो संसद में उलझा देते हैं, हमें बता देते। तो कांग्रेस के पास मुद्दा ही नहीं, मुद्दा विहीन कांग्रेस, नेता विहीन कांग्रेस। इस समय पूरे देश के अंदर उनका कोई नेता नहीं है, उनके कोई अगुआ नहीं है। जो आगे आता है वो पीछे हो जाता है, वो छोड़ के कांग्रेस चला जाता है। समस्या मुझसे क्यों पूछ रहा है? भाजपा में तो कोई समस्या नहीं है, भाजपा मजबूत है, भाजपा पूरी ताकत के साथ जांच करेंगे, जो दोषी होगा कार्रवाई करेंगे। अब अगर मैंने कहा कि अगर कोई शिकायत होगी जांच करेंगे, दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मायावती जी ने बड़ी बात बोली है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है, अगर जांच होती है तो। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव जीतने के लिए और पार्टी खोलने का पैसा कहाँ से आएगा? सपा बसपा कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार, और भारतीय जनता पार्टी का मतलब है कि भ्रष्टाचार का अंत। और इसलिए जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं हमारी सरकार से परेशान रहते हैं, और उनकी परेशानी लगातार बनी रहे जब तक भ्रष्टाचार की एक एक पाई वसूल करके सरकारी खजाने में न जमा हो जाए, ये अभियान जारी रहे। धन्यवाद। अखिलेश यादव आपको न्योता दे रहे हैं, उसको क्यों स्वीकार कर रहे हैं? श्री अखिलेश यादव जी दूसरी पार्टी में रहते हैं, कहानी से निकली हुई मछली की तरह सत्ता के लिए तड़प रहे हैं, और उनकी तड़पन अभी 25 साल समाप्त नहीं होगी।